A wheel rotates around a stationary axis so that rotation angle theta varies as theta equals p t square, where p is equal to 0.20 radians per second square. Find the total acceleration a of the point A at the rim at the moment t equals 2.55 seconds. If the linear velocity of the point A at this moment is v equal to 0.65 meters per second. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है that theta is equal to p t square, जहाँ पे तुम्हारा p का value है that is equal to 0.20 radians per second square. तो basically हम यहाँ पे इसका unit दे करके अंदाज़ा लगा सकते हैं radians per second square, तो ये basically angular acceleration है, ठीक है. तो यहां से लिख सकते हैं दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस पी टी, और अल्फा हो गया तुम्हारा डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका और एक डिफरेंशिएशन, तो हो गया तुम्हारा ट्वाइस पी, ठीक है. तो यहां से लिख सकते हैं दैट ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू होता है तुम्हारा आर अल्फा, ठीक है. अब देखो ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा आया है ओमेगा इज इक्वल टू टू पी टी, और पी का वैल्यू अगर डाल दें और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 2.55 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2.55 सेकंड. तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इनटू 0.2 इंटू 2.55, ठीक है. तो ओमेगा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 0.4, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 0.4 इंटू 2.55, ठीक है. अब तुम्हारा देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, और देखो क्वेश्चन में तुम्हारा v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.65 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है. तो अब यहाँ पे v और ओमेगा के वैल्यूज तो आ गए हमारे पास, तो इसके मदद से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं. r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.65 अपॉन, ठीक है, अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 2.55, ठीक है. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू आएगा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.64, ठीक है. तो आर का वैल्यू फाइनली आ रहा है, आर का वैल्यू आ रहा है 0.64, ठीक है, मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मीटर्स में दिया हुआ. तो अब ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ पे r का वैल्यू है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 2p, ठीक है. तो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू r का वैल्यू हो गया 0.64, ठीक है, इनटू अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इनटू p. तो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0.64 इंटू 2 इंटू 0.2, तो ए टेंजेंशियल हो गया तुम्हारा 0.25, ठीक है. तो ए टेंजेंशियल का वैल्यू हो गया 0.25, है ना, और ए नॉर्मल, ठीक है, जो रेडियली इनवर्स काम कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा रेडियली इनवर्स काम कर रहा है, इसका वैल्यू अगर निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, ए नॉर्मल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी का वैल्यू जो तुम्हारा दिया हुआ है 0.65, ठीक है, 0.65 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 0.64, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जो है मतलब 0.65 इट्स वेरी क्लोज टू 0.64, तो बेसिकली इसका जो वैल्यू आ जाएगा
65 अप्रॉक्सीमेटली होगा ए नॉर्मल, ठीक है, ए नॉर्मल इज इक्वल टू 0.65 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास देखो ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल का वैल्यू आ गया है, तो बेसिकली अब यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.65 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना है, तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ रहा है 0.485। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने जाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.7, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.7। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम।